हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख। आज लीनियर रिग्रेशन का लेक्चर नंबर 5th है, जिसमें हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 3.2। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, बट ये स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं इस एक्सरसाइज के लिए जो आपको समझना है। अब तक आपने अगर ध्यान से 3.1 किया होगा तो उसमें आपने ये तो जान लिया रहेगा BYX BXNY कैसे फाइंड करते हैं, और इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस bx y ऑन x था, और x ऑन y के लिए था x इज इक्वल्स टू a प्लस by, जिसमें हम a और b फाइंड करते थे, फिर रिग्रेशन इक्वेशन बनाते थे। ये एक्सरसाइज 3.1 में आपने किया था, अगर ध्यान में हो तो आपने BYX और BXNY फाइंड किया था। अब फिर से BYX और BXNY अगर फाइंड करना है तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हुआ है। अगर मुझे BYX तो आपको याद था X है तो X नीचे आता था, Y है तो Y नीचे आता था, तो इधर ही वही है, खाली ये कुछ नया साइन दिख रहा है आपको। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन। क्लियर है क्या? तो बी वाई एक्स, वाई एक्स मतलब वाई ऊपर एक्स नीचे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स, वाई ऊपर एक्स नीचे, वाई ऊपर एक्स नीचे, बी एक्स ऑन वाई में एक्स ऊपर वाई नीचे, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। ये समझा गया? सर ये आर, आर को कहते हैं कोएफिशिएंट कोरिलेशन। आर को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कोरिलेशन। अब आर कैसे मिलेगा? तो आर मिलने का फॉर्मूला है प्लस और माइनस, क्योंकि रूट है तो प्लस और माइनस तो आएगा, डबल साइन होता है, रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? आर का आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये फाइंड करने बोलेंगे, या तो ये दोनों तीनों दिया रहेगा, ये फाइंड कर, अब डिपेंड करता क्वेश्चन में, ये घुमा घुमा के ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले। स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स दिया रहेगा, बी वाई एक्स दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, वाई पूछा रहेगा, या ये दोनों दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, आर पूछेंगे, या तो फिर आर ही पूछेंगे और ये दोनों दिया रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले है। क्लियर है? घुमा घुमा के ये सब चीज वो लोग पूछने वाले, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है दिव्या? स्टार्ट करते। उसके अलावा है बी वाई एक्स प्लस बी एक्स ऑन वाई, ये जो बॉक्स स्टैंडिंग बॉक्स दिख रहा है इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब है नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। डिटर्मिनेंट हमेशा नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, मतलब जब भी आप डिटर्मिनेंट डालोगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। क्लियर? नेगेटिव नंबर अगर है भी तो भी आंसर पॉजिटिव है। बॉक्स का मतलब है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, डिटर्मिनेंट। ओके, तो इसका फॉर्मूला है बी वाई एक्स प्लस बी एक्स ऑन वाई डिवाइडेड बाई टू का आंसर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर का वैल्यू होगा, मतलब आर का वैल्यू कुछ भी होगा उससे बड़ा इन दोनों का डिटर्मिनेंट को प्लस करके डिवाइड बाई टू करके आंसर आएगा। क्लियर? ये प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना। उसके अलावा इफ आर इज ग्रेटर देन जीरो, इफ R is greater than zero, R का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है तो बी वाई एक्स का वैल्यू भी जीरो से बड़ा रहेगा, बी एक्स ऑन वाई का वैल्यू भी जीरो से बड़ा रहेगा। ये समझा गया? सिमिलरली अगर R का वैल्यू जीरो से छोटा है, लेस देन है, तो बी वाई एक्स का आंसर भी लेस देन जीरो होगा, बी एक्स ऑन वाई का आंसर भी लेस देन जीरो होगा। ये समझा गया? वैसे इफ R का वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है तो बी वाई एक्स भी जीरो, बी वाई एक्स ऑन वाई भी जीरो है। क्लियर है यहां तक? पक्का समझा? 100%। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन दिया है फॉर अ बाइवेरिएट डेटा, आपको क्वेश्चन में एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, बी वाई ऑन एक्स दिया है, बी एक्स ऑन वाई दिया है, इतना डेटा दिया है और आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी मैंने आपको बताया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर, तो मुझे क्या फाइंड करना है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई फाइंड करना है। उसके अलावा y फाइंड करना है, x का वैल्यू दिया है, x फाइंड करना है y का वैल्यू, मतलब ये y ऑन x है, ये x ऑन y है, मतलब तीन चीज आपको फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहला कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड करना है, यानी कि r फाइंड करना है। r फाइंड करना है तो r का फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई।
दैट इज इक्वल प्लस और माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स. कितना है सर? बी वाई एक्स का आंसर है -1.2 इंटू एक्स वन वाई कितना है? -0.3. दोनों तो क्वेश्चन में दिया है, मल्टीप्लाई कर देते प्लस और माइनस रूट ऑफ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 0.36. देखो 12 × 3 12 × 3 = 36. एक डिजिट यहां पे, एक डिजिट यहां पे, दोनों का दो डिजिट हो जाएगा 0.36. और अच्छे से अगर मुझे लिखना है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 36/100 पॉइंट अगर निकालना है तो, नहीं तो जैसा आपको समझ में आए वैसा. यहां तक समझा? दो डिजिट का पॉइंट था, मल्टीप्लाई बाय 100 करके पॉइंट निकाल दिया, ये समझा ना? 36 का रूट मतलब किसका रूट है? 6 का. 100 मतलब 10 का. रूट ऑफ 36 क्या आएगा? 6. रूट ऑफ 100 क्या आएगा? 10. ये समझा गया? तो 10/6 को और अच्छे से लिखना है तो 0.6 भी तो लिख सकता हूं. तो आर का आंसर कितना? 0.6 प्लस या तो माइनस. समझ में आया? हो गया पहला आंसर सिंपल, आर समझ में आया. अब मुझे फाइंड करना है वाई फॉर एक्स, मतलब अब मुझे कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है? वाई ऑन एक्स फाइंड करना है. जरा ध्यान से लिखना, वाई ऑन एक्स फाइंड करना है. वाई फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू दिया है, तो वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. वाई ऑन एक्स तो पहले y बाद में x, और बीच में कौन सा आएगा? बी वाई ऑन एक्स. अब आपको इसमें क्या क्या मालूम है? y तो मालूम नहीं है, y बार मालूम है सर. कितना है? 28 इज इक्वल टू बी वाई एक्स मालूम है. हाँ सर, -1.2 इंटू एक्स माइनस एक्स बार कितना है? 53. ये समझा? अब तो मल्टीप्लीकेशन का खेल है. कैसे करोगे? वाई माइनस 28 इज इक्वल टू 1.2 इंटू एक्स करेंगे -1.2x. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 53 × 12 करेंगे कितना आएगा? 53 × 12 करो मल्टीप्लाई, बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे? 63.6. समझ में आया क्या? पक्का समझा? नंबर का खेल है. -28 को उधर ले लेता हूं तो y इज इक्वल टू -1.2x प्लस 63.6 माइनस इधर आएगा तो +28 हो जाएगा. बात समझा क्या? y इज इक्वल टू -1.2x प्लस 28, सॉरी 63.6 में 28 को प्लस करेंगे तो आपको आ जाएगा 91.6. अरे बराबर है, यहां तक समझ में आया? तो ये मेरा इक्वेशन बन गया. अगर आपको ध्यान में होगा तो ऐसा इक्वेशन बनता था, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का फॉर्म, ए बी एक्स का फॉर्म. तो ये बी का वैल्यू है, आप ध्यान से देखो बी का वैल्यू है 1.2. अरे इक्वेशन समझा? अब क्वेश्चन में आपको एक्स का वैल्यू तो दिया है, इधर लिख दो y इज इक्वल टू -1.2 इंटू 50 प्लस 91.6. अरे समझा? y इज इक्वल टू 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा यहाँ पे, क्लियर है? 6 प्लस 91.6, जहां तक मुझे लग रहा है 6 ही आएगा, सॉरी 60 आएगा यहाँ पे, 6 नहीं 60 आएगा, 12 5 60 होता, क्लियर? अब 60 इधर प्लस होगा तो वाई इज इक्वल टू 151.6. तो ये मेरा वाई का वैल्यू. समझ में आया क्या? क्लियर है? बोलो. यहाँ पे ओ माय माय मिस्टेक, यहाँ पे -60 होगा तो आंसर बदल जाएगा. वेरी गुड, 91 में से 60 को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपको 31.6. अंडरस्टूड? समझा? पक्का समझा? अब क्वेश्चन में और एक चीज पूछा है, एक्स फॉर वाई. एक्स फॉर वाई मतलब सेम ऐसा ही अभी वापस से सॉल्व करना है, बट अब क्या करना है यहाँ पे? एक्स ऑन वाई करना है. तो यहाँ पे एक्स ऑन
वाई करेंगे, तो फॉर्मूला आएगा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, सेम चीज, ये वाई ऑन एक्स था, अब ये एक्स ऑन वाई हो गया, समझा? सेम डेटा यूज करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार मालूम है, हाँ सर 53 इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई का आंसर कितना है, -0.3, वाई माइनस वाई बार कितना है 20, समझाइए। चलो ठीक है, एक्स माइनस 53 इज इक्वल टू -0.3 वाई, प्लस हो जाएगा ना अभी, तो 20 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, तो 20 इंटू -0.3, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 8.4। ये समझा गया, पक्का समझा, नंबर नंबर के साथ चले जाएगा, x इज इक्वल टू -0.3 y प्लस 8.4 प्लस 53, माइनस ये बाजू आएगा तो प्लस होगा ना, 53 में 8 को प्लस करेंगे, x इज इक्वल टू -0.3 y प्लस 61.4, बराबर। अरे समझा, ये वापस से इक्वेशन बन गया। अब इधर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वाई का, वाई का कितना वैल्यू दिया 25, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू -0.3 वाई प्लस 61.4, एक्स इज इक्वल टू -0.3 वाई के जगह पे अब क्या लिखोगे, 25, 25 है ना, प्लस 61.4, एक्स इज इक्वल टू -7.5, 7.5 ना, प्लस 61.4। अरे समझा ना ये, चलो माइनस करो, एक्स इज इक्वल टू 61.4 माइनस 7.5 इज इक्वल टू 53.9। तो इस तरह से मुझे एक्स का वैल्यू मिल गया और मेरा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर, एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज गिवन, तो एस्टिमेट वाई किया, एक्स का वैल्यू दिया था तब, अब एक्स सब फाइंड करना है वाई का वैल्यू, तो इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आने वाले घुमा फिरा के ऐसे ही सम्स को सॉल्व करना, क्लियर है क्या? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, फ्रॉम द डेटा ऑफ 20 पेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 20 पेयर्स, 20 पेयर्स का मतलब है कि जो भी डेटा दिया है वो 20 लोगों का दिया है, तो यहां पे मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, एन इज इक्वल्स टू 20, अगर यूज पड़ा है एन का तो एन को यूज ऐसा करेंगे, ठीक है, एन समझ में आ गया यहां तक, पक्का? हाँ, ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्वेश्चन में दिया है डेटा 20 लोग का दिया हुआ है, जिसमें एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर दिया है, और समेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार का टोटल पहले से दिया है, आपने ये सब चीज पहले एक्सरसाइज में अलग किया था, आपको याद होगा, तो 3.1 में ये सब चीज हम कॉलम बना के सॉल्व करते थे, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यूज दे दिया है, फाइंड क्या करना है, वाई ऑन एक्स का इक्वेशन, एक्स ऑन वाई का इक्वेशन, इसके पहले वैल्यू था, अब खाली इक्वेशन जो मैंने बॉक्स बनाया था आपको याद होगा वहां तक ही फाइंड कर, और एक चीज फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। अब कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, जैसे पिछला सम था आर फाइंड करने के लिए, ये दोनों चीज मालूम होना चाहिए, अब ये दोनों चीज नहीं मालूम है तो पहले ये दोनों चीज फाइंड करना पड़ेगा, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, तो मेरा पहला स्टेप होगा यहाँ पे फाइंड करना है बी वाई एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई, ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपने इसके पहले के एक्सरसाइज में देखा था, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन बी वाई एक्स, तो नीचे क्या आएगा, एक्स, एक्स माइनस एक्स बार द होल, और वैसे ही अगर मुझे बी एक्स ऑन वाई फाइंड करना है तो फॉर्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, एक्स है तो एक्स नीचे, वाई है तो वाई, क्लियर है क्या? चलो अपने को ये सब वैल्यूज दिया है, हाँ सर, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दिया है, दिया है -250 अपॉन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर दिया है, हाँ सर वो भी अपने को दिया है, कितना 1200,
अरे समझा पक्का, तो कैंसलेशन कर सकते हो, 0-0 कैंसिल कर दिया, 25 के टेबल से या 2 के टेबल से कैंसिल करो डायरेक्ट। इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, BYX इज इक्वल्स टू -5/24 BYX, समझ में आया क्या? अब इधर आ जाते, सेम -250/y-y बार द होल स्क्वायर कितना है 300, 0-0 कैंसिल, 20 के टेबल से जाएगा, -5 and 6, तो ये मुझे BXY मिल गया। ये समझ में आया? अब सॉल्यूशन अभी तक चालू भी नहीं किया आपने, ये दोनों चीज फाइंड कर ली। अब पहला क्या क्या फाइंड करना है, वाई ऑन एक्स फाइंड करना है, एक्स ऑन वाई फाइंड करना है। अभी आपने देखा था फॉर्मूला कैसे फाइंड किया था हमने, बराबर है? तो मैं लिखता हूं वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला आएगा y-y बार इज इक्वल टू BYX x-x बार, बराबर। y-y बार दिया है, हाँ सर दिया है, 94 इज इक्वल टू BYX कितना, -5/24, तो यहां पे आएगा -5/24। एक्स का वैल्यू नहीं मालूम है और एक्स बार का वैल्यू तो मालूम है, 199। अरे ये समझा क्या पक्का? y-94 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे, -5x/24 प्लस हो जाएगा ना अभी ये, तो यहां पे आएगा 199 × 5/24। अरे ये समझा, मल्टीप्लाई किया, समझ में आया ना पक्का? चलो ठीक है, यहाँ पे आएंगे -5x/24 प्लस 9 5 = 45, 4 कैरी अप, 9 5 = 45 + 4 = 49, 4 कैरी अप, 5 1 = 5 + 4 = 24। ये समझा? समझा है, दैट इज वाई -9, माइनस उधर जाएगा तो प्लस वाई इज इक्वल टू -5x/24 प्लस 995/24 प्लस 94। अरे समझा क्या सर? लेकिन इधर डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, इधर 24, इधर भी 24 आना चाहिए, अपन इसको मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे, -5x/24 प्लस 995/24 प्लस 94 × 24 करो कितना आता है, 94 × 24 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है बताओ जरा फटाफट, 94 × 24 करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन, 225/24। अरे समझा, डिनोमिनेटर सेम किया, समझ में आया ना? इधर 1 था तो इधर 24 आना चाहिए, दोनों बाजू 24 से बने, अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू -5x/24। आपको अगर ये फ्रैक्शन पसंद नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है सर हमको ऐसा नहीं, तो आप इधर डिवाइड करिए, पॉइंट में ले लो आंसर, फिर पॉइंट से करो तो भी चलेगा, ये 5 / 24 करके भी करेंगे पॉइंट में आंसर आएगा, फिर पॉइंट से ऐसा करेंगे तो भी सेम आंसर है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, क्लियर? चलो इधर प्लस करते, 225 + 995 कितना आ रहा है, 2256 + 9, तो ये 11 और 1 9 10 15 और 1 10 तो 12 और 1 3, 3251/24। ये समझ में आया क्या? अरे समझा, आपको चाहिए तो फाइनल आंसर और अच्छे से अगर लिखना है तो लिखो, नहीं तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, दैट इज माय इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू -5x/24 प्लस 3251/24, क्लियर है पक्का? अभी एक्स ऑन वाई फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आएगा, x-x बार इज इक्वल टू BXY y-y बार। अरे बराबर, x-x बार कितना, 199 इज इक्वल टू BX on y कितना, -5/6 y-y बार कितना, 94। अरे ये समझा क्या? चलो ठीक है, x-199 इज इक्वल टू -5y/6 प्लस हो जाएगा यहाँ पे,
फोर फाइव जा 20, 0 क्या रही है, 2 क्या रही है, 45, 47 अपॉन 6, समझाइए। अब माइनस इधर आएगा तो प्लस, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 वाई अपॉन 6 प्लस 470 अपॉन 6 प्लस 199। जैसे इधर डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 24 से किया, अब यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 6 से। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 वाई अपॉन 6 प्लस 470 अपॉन 6 प्लस 199 इंटू 6 करेंगे कितना आ रहा है, 1194 अपॉन 6। क्लियर है, पक्का समझा, डिनोमिनेटर सेम, x इज इक्वल टू माइनस 5 वाई अपॉन 6 प्लस 470 में ये प्लस करेंगे तो 7 4 हो गया 9 और 6 15 16 और 1 4 2 6 और 1 अपॉन 6। क्लियर, आपको चाहिए तो ऐसे इक्वेशन बना के छोड़ दो। तो ये मुझे x ऑन सॉरी y ऑन x और ये x ऑन y जो पहले दो क्वेश्चन पूछे थे वो हो गया, समझा। इसके आगे क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि x और y का वैल्यू नहीं दिया था पिछले सम में, x का वैल्यू y का वैल्यू दिया, सब्स्टिट्यूट किया, आगे सॉल्व किया, इधर क्यों नहीं किया समझ में आया, पक्का। अब क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन, कोरिलेशन यानी कि r, इधर सॉल्व कर रहा हूं ध्यान देना, r का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, बराबर है, दोनों मुझे मालूम है तो दोनों ले लेता हूं, यहां पे इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस 5/24 इंटू माइनस 5/6। अरे समझा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये बाजू लिख रहा हूं रूट ऑफ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 25 अपॉन 4, 6 जा 24, 2 कैरी अप, 6, 2 जा 12, 13 एंड 14, 144, बराबर है। 25 किसका रूट है, 5 का, और 144 12 का, तो आर का आंसर 5/12। अंडरस्टूड, समझाइए, क्लियर है, प्लस माइनस डाल देना क्योंकि रूट निकाला है, तो क्लियर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।